नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश जो युवाओं पर केंद्रित है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस समय पूरे देश में जेरे बहस है पॉलिटिकली, हालांकि हम यहां उसके राजनीतिक शुरुआत आरंभ अंत पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जासूसी कांड की बात होती है कि साहब उसके ज़रिए पेगासस एक स्पाईवेयर है, एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके बारे में दावा ये है कि एक देश की सरकार सिर्फ सरकारों को ही बेचती है और इसके ज़रिए जासूसी की जाती है, कराई जाती है, ऐसे आरोप सामने आते हैं। लेकिन यहाँ हमारा डिस्कशन का मसला ये नहीं है कि जासूसी कैसे हुई, क्या हुई, कौन करा रहा है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होनी चाहिए, होंगी ही, और जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जासूसी का वो टूल, वो उपकरण क्या है। तो वो उपकरण है जो मेरी जेब में भी है इस समय, और ये उपकरण है सर, ये मोबाइल। यानी मैं जिसको एक शेर है, पूरा शेर तो मुझे याद नहीं, उसका लुबे लुआब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने कातिल को अपने साथ ही लेकर चल रहा हूँ। यानी मेरा जासूस मेरी जेब में है जिसमें सब कुछ दर्ज है। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरी तो नहीं है सर, मेरी पत्नी जो देख रही है कार्यक्रम, उनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन किसी की है तो उसकी जानकारी इसमें हो सकती है, किसी के लेन देन में क्या हिसाब किताब है उसकी जानकारी भी इसमें हो सकती है, मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है इसकी जानकारी भी इस मोबाइल में है। तो सारी जानकारी तो मैं अपनी जेब में ही लेकर चल रहा हूँ, और किसी को अगर उन जानकारियों तक पहुँचना है कि मैं किससे कितनी देर तक बात करता हूँ, सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, तो ये सब चीज़ें मेरे मोबाइल को हैक करके, उसकी जासूसी करके निकाली जा सकती है। तो क्या करें सर, हम क्या करें? क्योंकि अगर मेरा डाटा चला गया तो जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में हम देखते थे कि कोई साहब जिनके घर चोरी हो गई है और वो सोने चांदी के व्यापारी हैं, तो कहते हैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो आज अगर ये मोबाइल का डाटा गया तो शायद हमारा रिएक्शन यही होगा कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा डाटा चोरी चला गया सर। तो क्या करें हम सर, आज यही हमारे डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा, और युवाओं का एक महत्वपूर्ण हमेशा की तरह उत्साही समूह हमारे साथ है जिनसे हम बात करके समझेंगे। आपसे शुरू करते हैं मितिका, अपने परिचय के साथ जल्दी जल्दी माइक्रोफोन आगे की रो में बढ़ा दीजिए, फिर हम पीछे की रो से पीछे बात कर लेंगे। जी नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम मितिका जैन है। मैंने 2020 में ही अपनी ग्रेजुएशन भोपाल से कंप्लीट करी है। जी मेरा नाम कावी जैन है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक्चुअली तैयारी कर रही हूँ अभी फिलहाल में तो, और भोपाल में रहकर ही कर रही हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम रासमणि रघुवंशी है, मैं फोर्थ ईयर की एक लॉ स्टूडेंट हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है, एक प्रोफेशनल एंकर हूँ, मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, साथ ही साथ सोशल मीडिया पोर्टल्स पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करता हूँ और सोशल मीडिया एंथुजियास्ट हूँ। सर्वज्ञ नमस्कार, मेरा नाम सर्वज्ञ है और मैं भी फिफ्थ ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, और मैं भी यहाँ पर इसके लॉज ही बताऊँगा। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम यशराज सिंह बुंदेला है और मैं भी दूसरे वर्ष का BLLB ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, और साथ ही मैं एक NGO भी चलाता हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शमशुल हुसैन है और मैं अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ पब्लिक पॉलिसी इंटरनेशनल अफेयर्स से, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही हम दोनों साथ में एक NGO चलाते हैं और छोटे बच्चों को भी अपने घर में ही मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के इस संयुक्त उपक्रम के लिए। शुक्रिया सर। रासमणि मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, मुझे ये बताइए कि मेरा जासूस मेरा फ़ोन ही है और वो मेरे साथ रहेगा ही, और इसको हैक करके किसी भी स्पाईवेयर के ज़रिए, जैसा हम सुनते हैं कि एक मिस कॉल भी अगर आया मोबाइल पर और वो मिस कॉल जो है वो मैं रिसीव करूं या ना करूं, लेकिन वो स्पाईवेयर मेरे मोबाइल में इम्प्लांट हो जाएगा और उसके ज़रिए वो सारी जानकारियां जो मेरे फोटोग्राफ्स हैं, मेरी बातचीत है, मेरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब जिस लक्ष्य तक पहुँचना है पहुँच जाएगी। आप कैसे देखती हैं इस चुनौती को, और क्या आप देखती हैं कि, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगला विश्व युद्ध डाटा को लेकर होगा, लेकिन है स्थिति बड़ी चैलेंजिंग? बिल्कुल, मैं ये बहुत ही बड़ा समस्या है जो हमारे सामने है, लेकिन ये समस्या हम इंसानों की खुद की बनाई हुई है। लोग ज़िंदगी से लड़ते आ रहे हैं, ये डिबेट है कि क्या टेक्नोलॉजी हम ह्यूमंस के ऊपर ओवरकम कर सकती है,
तो ये स्पाईवेयर ने भी एक टेक्नोलॉजी नहीं एक दूसरी टेक्नोलॉजी के लूपहोल का फ़ायदा उठाया है। ये स्पाईवेयर काम ही ऐसे करता है कि हमारे मोबाइल में कोई टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, जो लोग कोड करते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट ज़्यादा जानेंगे, वो इन कमियों को टारगेट करता है और हमारे फ़ोन में घुस जाता है। यहाँ अंदर अगर हम झांकें तो कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है, क्योंकि हम ही निर्भर हो गए हैं अपनी इस टेक्नोलॉजी पे। हम कहते हैं कि ये हमारी लग्जरी के लिए है, हमारे लिए चीज़ें और सिंपल करने के लिए है, हमारी लाइफस्टाइल, लेकिन हम निर्भर हो गए हैं। पहले एक दूसरे को किसी को जासूसी करनी पड़ती थी तो एक एक साल तक उसके पीछे जासूस लगाए, उनकी डेली एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। अब बस हमारा डेटा उन्हें ब्रीच करना है, क्योंकि हमने ही इतनी पावर अपने मोबाइल फ़ोन्स को दे दी है। तो हम जब इस नई टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, नए एरा में जा रहे हैं, जहां हमने खुद को इतना निर्भर कर लिया है, तो शायद वक्त आ गया है देखने का कि क्या हमने बहुत ज़्यादा पावर दे दी अपने छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन्स को, जिन पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं। और जैसे कि आपने कहा, हार्ट अटैक सा आ जाता है अगर मोबाइल फ़ोन गुम जाए तो, इसलिए नहीं क्योंकि इतने रुपये का था उसमें इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि हमारा क्या क्या डेटा चला गया। अब कोई हमें एक क्लिक में जान लेगा कि मैं कौन हूँ, कि रासमणि रघुवंशी कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मुझे आप सब ये बताइए कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्पाईवेयर क्या है? मिस कॉल आई है कोई तो कैसे उसको सुनना है, नहीं सुनना है, इस तरह की, मतलब मैं अपने मोबाइल के डाटा को चोरी होने से रोकूं, इसकी जानकारी कितने आप युवाओं को है? क्योंकि पहले आपको होगी, हमारी जनरेशन तो आपके बाद की है, पहले की है, हमारी तो और मुसीबत बड़ी है। आप कितना समझते हैं, आप मुझे बताएंगी? काव्या, आप ही कावी, एक्चुअली जनरेशन जितना नॉलेज रख सकती है, आई थिंक अभी जनरेशन सबसे ज़्यादा इग्नोर वही चीज़ कर रही है। लेकिन मोस्टली जो मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है युवाओं के पास, इन्फॉर्मेशन है बट एक्चुअली दे मिस यूज इट और समटाइम दे इग्नोर इट। मतलब पता होने के बाद भी हम गलती कर देते हैं, लाइक मोस्टली आई थिंक मेरे हिसाब से रीज़न ये है कि अब इंसान इंसान से बात नहीं करता डायरेक्टली, दे टुक द लाइक सहारा लेते हैं वो फ़ोन का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, और उसमें जो सीक्रेट्स होते हैं वो सब फ़ोन में होते हैं, तो उनको ये पता है कि वो लीक हो सकती है, बट दे प्रेफर यू नो कि वो कोशिश करते हैं कि भले ही लीक भी हो जाए, यू नो इग्नोर मारते हैं उस चीज़ को, बट वो कोशिश करते हैं कि उसके ही थ्रू वो अपनी फीलिंग्स या अपना इमोशन लोगों के सामने रख सके। तो आई थिंक जनरेशन कोई बुराई नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरा पर्स अगर मेरी जेब में है तो क्या मैं उसको इस तरह से डिस्प्ले करते हुए चलूँ कि जो भी उसको चुराने का इरादा रखते हैं उनको मैं आमंत्रित करूँ? ऐसा मैं नहीं करता, मेरे पास अवेलेबल जो भी होते हैं मैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करता हूँ, लोगों की निगाह से बचाने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल को लेकर क्या मेरी जानकारी है मितिका? क्या मुझे मालूम है कि मैं अपने डाटा को कैसे बचा सकता हूँ? क्या आप जानती हैं ये चीज़? सर मेरी राय इसी में है, जानने की बात बहुत छोटी सी है, हम जान सकते हैं, बट सबसे बड़ा की पॉइंट जैसे कावी जी का एक वर्ड था, इग्नोरेंस। वी आर द यूथ, हम यूथ हैं, जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना तो हमारी एक माइंडसेट बन गया है, जो कुकीज आता है हमें उसे या तो एक्सेप्ट करना होता है या इग्नोर, बट हमें क्योंकि इतना एक्साइटमेंट होता है उस ऐप में ऐसा क्या है देखने के लिए, हमने आज तक वो कुकीज़ क्या कभी ध्यान से पढ़ी कि उसकी क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, क्या हमने जाना कि वो हमसे क्या डेटा मांग रहे हैं? लेकिन नहीं, हमने नहीं जाना। हमें क्योंकि इतना एक्साइटमेंट है उस ऐप को यूज़ करने में, या फिर हमारा जो डिश हम ऑर्डर कर रहे हैं वो हमें तो बस जल्दी से मंगाना है डिश, अगर मैंने कोई ऐप किया तो वो जितनी भी मेरे से परमिशन ले रहा है मैंने सब में अलाउ कर दिया, एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि उसमें उसने मांगा क्या है मुझसे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारी है कि हम जानते हुए भी इग्नोरेंट हो गए हैं, कि हम हमारा माइंडसेट ये हो गया है कि आज में ही रहना है, हमें जो अभी नीड है ये देखना है। फिर हम ही वो लोग हैं जो शायद कुछ क्षण बाद ब्लेम करते हैं कि अरे अब मेरे मोबाइल का सारा डेटा जा रहा है, आज तो मैंने डिश ऑर्डर कर दी, अब आने वाले एक महीने तक मेरे पास एड्स आने हैं, तो मैं भी उसी चीज़ से इरीटेट होंगी, बट मैंने पहले ये नहीं देखा कि इसी का रिपरकशन है वो, इसी कारण से वो ऐड आएंगे, तो ये जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये भी सवाल है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। कितने ऐप हैं मेरे मोबाइल में जो मेरी ज़रूरत हैं, क्या मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ? आप अगर देखेंगे यूजेस तो शायद कई ऐप ऐसे हैं जिनका आपने इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ, लेकिन वो हैं क्योंकि वो स्टेटस सिम्बॉल हैं। कई शॉपिंग ऐप्स हैं जो आप युवाओं की पसंद हैं, लेकिन उनका कितना इस्तेमाल है? नहीं है, लेकिन हम ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम इन पर निर्भरता अपनी बढ़ा रहे हैं, निर्भरता बढ़ा रहे हैं तो हम एक जोखिम में भी आ रहे हैं। जी सर, मेरी राय इस पर यह रहेगी कि टेक्नोलॉजी को आज के टाइम समय पे अपन देखें तो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर अपन अभी की परिस्थितियों को देखें, कोरोना काल,
अब सर कोरोना काल में टेक्नोलॉजी के द्वारा उससे ही अपना काफ़ी काम चला है, तो अपन सर उसमें बात इग्नोर करने की नहीं है, बात यह है कि हम अपना बचाव कैसे करें। जी सर, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। जी सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हमारी जेब में हमेशा रहेगी, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इसके ज़रिए मेरी जासूसी हो तो नहीं रही है कहीं। सर इसके लिए एक मतलब एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि अपन इसको मॉनिटर कर सकें, और जो अभी इग्नोरेंस की बात इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से बताई कि अपन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी ऐप कोई भी साइट पे अपन जाते हैं तो हर उसमें अपन को पहले एक स्क्रीन आती है कि टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं, बट मैं अपना भी बताऊं तो मैं भी वो नहीं पढ़ता। तो सबसे पहली चीज़ अपन को एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है अपन से, उसके बाद ही अपन उसको एक्सेप्ट करें। और बाकी सर ये बस बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या जोड़ेंगे यशराज जी? हमारा अभी आज के टाइम पे सबसे अच्छा दोस्त हमारा मोबाइल फ़ोन है। एक समय था कि हाँ पूरा परिवार साथ में बैठता था, आज देखिए तो जैसी रात होती है सब अपने फ़ोनों में लग जाते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सबके घरों का यही हो चुका है, और कोरोना के बाद से तो लोगों इतने निर्भर हो गए अपने मोबाइल फ़ोनों पर कि मतलब सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है, तो उसको सबसे अच्छे दोस्त को सब पता ही रहता है। तो ऐसे अच्छा दोस्त ही कई बार धोखा दे जाता है, वाट लगा देता है, तो हमारा फ़ोन अस्तीन का साफ बनता जा रहा है जैसा आपने बताया। जेब का हाँ जी, तो वही है जैसा यहाँ पे बोला गया है कि अपन को प्राइवेट पॉलिसीज को अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना, उनको अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा है नहीं है। हम सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए जाते हैं और अपने फ़ोन पे अंधविश्वास करते हुए जाते हैं, और आज जैसे न्यूज़ में चल रहा है पेगासस। ये तो नहीं पॉसिबल है ना आप सबके लिए कि अपने मोबाइल में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रखे ही नहीं जो फोटोग्राफ से जुड़ी हो, जो वीडियो से जुड़ी हो। ये तो मजबूरी है, कैसे करेंगे? हिल स्टेशन जाएंगे दोस्तों के साथ तो क्या मोबाइल कोरा लेके लौटेंगे क्या? पागल समझ रखा है क्या? जी वही बात है, कैसे करेंगे ये? लेकिन अब उसी दौरान हैक हो गया तो ये मालूम पड़ जाएगा कि छुट्टी में हमने तो बोला था कि सिर्फ दो लोग जा रहे हैं और वहाँ तो छह लोग थे, सारे हाँ बहुत सारे थे, और कुछ लड़के भी थे और कुछ लड़कियाँ भी थी, तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई। आप क्या जोड़ेंगे? देखिए मेरा मानना ये है कि अच्छा हुआ ऐसी कोई चीज़ इस देश में इंट्रोड्यूस हुई फाइनली, क्योंकि आज जिन लॉ से हम गवर्न करते हैं इन चीज़ों को, वो एक 21 साल पुराना लॉ है, जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक एक्ट है हमारा, वो 21 साल पुराना है और अमेंडमेंट आया था 2008 में। तो मेरा मानना ये है कि अब एज अ पर्सन एज अ सिटीज़न हमें तो अपनी केयर करनी ही चाहिए क्योंकि उसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है, बट देखा जाए तो अब पॉलिसी बनाने का भी एक सही समय आ चुका है कि हम जिस स्पीड से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे देखा जाए तो काफ़ी सही समय है कि हम इसमें अमेंडमेंट्स लाएं, और जो नई तरीके से ये स्पाईवेयर मालवेयर ये जितने भी आ रहे हैं इनको रोकने का अब एक ठीक समय आ चुका है कि पॉलिसी बन के इन पर आराम से रोक लगाई जा सकती है अभी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एरा माना जाता है, तो ये आगे अभी और बढ़ने वाला है। तो आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नए आईटी लॉज अभी सरकार लेकर आई है ये हमारी मदद करेंगे इसमें? जी ये बिल्कुल मदद खत्म करने में, जासूसी को खत्म करने में, और असल करने में तो नहीं ना, जासूसी को एक प्रोसीजर में डालने में। जी जैसे इंडिया में 10 ऐसी एजेंसीज भी हैं जिनको जासूसी अलाउड है, अब उन एजेंसीज के साथ बात यह है कि वो एक प्रोसीजर के तहत उसको करती हैं, जो कमिश्नर लेवल पे ऑफिसर होता है उनको ये इन्फॉर्मेशन देना ये सब। चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। मैं रासमणि से भी अपेक्षा रखूंगा वो कुछ रोशनी डालेंगी इस पर, लेकिन सिद्धार्थ जी काफी देर से। सर पुराने जमाने में एक गीत था लोकप्रिय गीत जिसके बोल थे धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अभी स्थिति यह है कि आप जितना ही धीरे बोलें आपके जेब का जासूस जरूर सुन लेगा, तो ये तो बात सच है कि आपका मोबाइल आपका मन भी पढ़ लेता है। अब बात यह कि इसका सल्यूशन क्या है, अगर आज मेरा यहाँ पे किसी और का मोबाइल का डेटा गायब होता है तो मैं क्या करूँ? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो साइबर सिक्योरिटी साइबर पुलिस है उसको और भी स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, उसको और आगे के जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर मेरा किसी से झगड़ा हुआ तो मुझे पता है कि मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ। ऐसे मुझे पता होना चाहिए कि जैसे ही मेरे मोबाइल से डेटा हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ अगर साइबर में कोई भी क्राइम हुआ है तो मैं साइबर पुलिस के पास कैसे जाऊं? और वहीं पर साइबर पुलिस की हिस्सेदारी में काम ये है कि वो 110% ऑप्टिमम ऑनेस्टी के साथ और जल्दी एक्ट करते हुए, बिकॉज सर आपके मोबाइल का डेटा तो एक सेकंड में गायब हो सकता है, आपके अगर अकाउंट में हज़ारों करोड़ों का बैलेंस है 10 सेकंड में गायब हो सकता है, तो जितने जल्दी साइबर पुलिस या साइबर क्राइम एक्टिवली हमारे नॉर्मल लाइफ में इंडल्ज होगा, अभी भी हुई है बट सर देखते अगर हमारे यहाँ पे किसी साथियों के कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड एक्सपीरियंस रहे होंगे वो मुझे नहीं लगता इतने अच्छे रहे हैं। टॉकिंग अबाउट
सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं और पता भी नहीं चलता कि आपने जो कंप्लेंट अगर गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो उसकी एफआईआर तक दर्ज करने में पसीने छूट जाते हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट। तो यही तो बात है कि हमारी रक्षा कौन करे, बिकॉज सर हम नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता कि मोबाइल का डेटा कैसे जाता है, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर खुद का चला गया तो वापस कैसे लाएंगे। तो सर हमारे हाथ में तो ऐप्स हैं बस, और ऐप्स को भी हमें अप्रूव करना ही पड़ता है। एक एग्जांपल जैसे ये कि अगर आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, आप उसको अपने मोबाइल की सारी फ़ोटोज़ का एक्सेस देते हैं। अगर आपके मोबाइल में 10,000 फ़ोटोज़ हैं, जो इंसान पीछे बैठा हुआ है वो 10,000 फ़ोटोज़ एक्सेस कर पाएगा। रासमणि, आप इसके लीगल एस्पेक्ट पे कुछ रोशनी, कुछ तो सर्वज्ञ जी ने उस पर रोशनी डाली है, कुछ आप कहना चाहें उस पर? जी सर, जैसे कि यहाँ बात चली कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, बिल्कुल मैं एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि नॉर्मल लोगों को, मेरे घर वालों को भी, हम जो लॉ आता है उसे कितना पढ़ते हैं। जैसे यहाँ बात चल रही थी कि हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कितने पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सर कितनी भी पॉलिसी बना ले, कितनी भी अच्छी लैंग्वेज में बना ले, जैसे कि आज बात चल रही है कि एक तो पहली बात, हम टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं तो अब ये हमारे लिए चॉइस नहीं रह गई है, ये हमारी ज़िंदगी की अब ज़रूरत है। मैं आज जॉब करने जाती हूँ, मैं बोलूँगी मुझे टैक्सेस के बारे में पढ़ना पसंद नहीं है, क्या मैं सर्वाइव कर सकती हूँ? नहीं। आज अगर हमने चूज़ करी एक ऐसी लाइफस्टाइल कि हमारे स्मार्टफोन्स हमारी ज़िंदगी में रहेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी से आस्था वास्ता तो रखना पड़ेगा। आप एक, जैसे कि इनने कहा, आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते। गवर्नमेंट हमें बचा रही है, क्या गारंटी है कि आज कल ये गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट नहीं टर्न होगी? पॉलिसी सब जगह एग्जिस्ट करती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा डेटा कहीं कलेक्ट हो रहा है। जोमैटो को अगर हमारी प्रेफरेंसेस पता हैं, कल को किसी ने जोमैटो को हैक कर लिया। हैकिंग तो दोनों तरीके की होती है सर, वाइट कॉलर हैकिंग, ब्लैक कॉलर हैकिंग। गवर्नमेंट के भी हैकर्स होते हैं जो हमें, हमारी रक्षा कर रहे हैं, कल को वो हमारे अगेंस्ट टर्न हो जाए, ये पूरा स्कैंडल ही यही था। लेकिन बात ये है कि हम अब इग्नोरेंट होना अफोर्ड नहीं कर सकते। जनता गवर्नमेंट में ट्रस्ट दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, नई पॉलिसीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन हमें खुद भी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। हम चॉइस नहीं है ये अब हमारे लिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में जाने ना जाने। आदमी कई बार जीवन में एज के दायरे में ना बन के एक थ्रिल के दायरे में आना चाहता है, उसे लगता है ज़िंदगी बहुत मोनोटोनस हो गई है। जी यशराज जी, सर जैसा आपने बोला, इंसान का एक स्वभाव है कि जो चीज़ उसे मना की जाती है उस पर उसका पहले ध्यान जाता है। आप किसी को मैसेज करिए कि इस मैसेज को मत खोलिएगा, वो सबसे पहले उसी को खोल के देखेगा। तो आपने जैसे बताया, किसी इंसान के मोरल को अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि वो फ़ोन में क्या रखा है या क्या देख रहा है, क्योंकि इंसान के अंदर जानने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है। इसी कारण से आविष्कार होते हैं और टेक्नोलॉजी आई है फर्स्ट केस में। तो इंसान का ये स्वभाव ही बन चुका है कि हर चीज़ जाननी है, सब जानना, भले वो नेते को या नेते मानने वाले तो है नहीं, नहीं मानने वाले। मोबाइल में सारी चीज़ें रहेंगी, सब रहेंगी, गोपनीय, सो कॉल्ड गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल, और सो कॉल्ड ऐसी भी जो हमारी बहुत ही पर्सनल होंगी। जी बिल्कुल। लेकिन अब उनका बचाव करना कानूनों का भी काम है और मेरा अपना पर्सनल अवेयरनेस लेवल भी है। जी जी, जैसे मैं अपनी संपत्ति की सुरक्षा करता हूँ, मोबाइल के डाटा की भी करूँ। शमसुर सर, आज के टाइम पे अपन ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, अगर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है लोगों को, बट उनको भी यूज़ सारी चीज़ें करनी है। सर जियो फ़ोन जब आया था उसके बाद ग्रामीण में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, कॉलिंग, इंटरनेट सब बढ़ा, लेकिन उनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग थी वो इतने अच्छे से नहीं दी। वहीं पे अगर इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती, इसके जो कॉन्स हैं, प्रोस हैं, उनको अच्छे से समझाया तो आज अपन बिल्कुल, बिल्कुल और अच्छे से काम कर पाए। मितिका, आप क्या सोचती हैं, हमें ये जानकारी रखनी होगी कि मुझे अगर मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रखना है तो क्या कोई मैकेनिज्म है, क्या मैं कुछ पैसे देकर अपने सबसे मूल्यवान डाटा को सुरक्षित रख सकता हूँ? हमारे शौक बड़े बड़े हैं कि मुझे बड़ा एंड्रॉइड या iOS लेना है, बट हमें ये नहीं पता कि हमें उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है। अगर मैं आज की बात कहूँ तो आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि iOS दावा देता है कि हमारा सिस्टम सबसे ज़्यादा सिक्योर है, बट उसे भी हैक करा जा सकता है और किया गया है, ये तथ्य है। तो इसका एजुकेशन सिस्टम मैंने तो आज तक नहीं सुना, हो सकता है कि मेरे तक वो बात पहुँची ना हो, वही जो हम अनअवेयरनेस की बात कर रहे थे कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोगों को समझा पाएँ, उनको एजुकेट कर पाएँ कि कैसे आप क्या यूज़ करें। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कावी जी ने कहा था थोड़ी देर पहले कि हम अवेयर नहीं हैं, मुझे एक बात याद आई थी, मेरे फादर ने काफ़ी टाइम पहले मुझसे कहा था स्कूल के टाइम में कि अपनी कमज़ोरी ना सबके सामने मत खोलो, हर कोई फ़ायदा उठा लेता है। तो आज वही हो रहा है, मोबाइल के द्वारा हम हमारी कमज़ोरी इतनी ओपन कर रहे हैं, हम इतना डिपेंड हो गए हैं चीज़ों पर कि लोगों को मौका मिल रहा है कि वो नए नए इन्वेंट। आप ये भी कह रही हैं कि मोबाइल में कमजोरी नहीं होनी चाहिए।
नहीं सर, हम हमारी कमज़ोरी को इस तरीके से शो कर रहे हैं, ऐप्स पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि हमारा, कहते हैं मैं खुली किताब हूँ, मुझे मतलब सबने पढ़ लिया है मोबाइल के द्वारा, मैं इतनी खुली किताब बन गई हूँ आज के टाइम पे कि हर ऐप में मेरी जानकारी है, तो हर कोई मेरा फ़ायदा उठा सकता है। तो इस चीज़ को अवेयर करना, एक मैकेनिज्म ऐसा हो कि आपको कहाँ तक अपना डेटा कहाँ देना है, कितनी पॉलिसी सबको आप पढ़ेंगी, मैकेनिज्म मैंने नहीं सुना, तो ये होना ज़रूरी है आज के टाइम पे, खासकर आपकी बात से इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ और शायद हम सब सहमत होंगे कि मोबाइल के साथ हमारा व्यवहार काफ़ी हद तक प्रोफेशनल भी होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, हम उसमें क्या रख रहे हैं, हाँ। ये हमें सोचना चाहिए। जैसे हम बैंक देखते हैं कि कितना अच्छा बैंक है, सर्विसेज कैसी हैं, मोबाइल में कौन सा डाटा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर हमें केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हम उस जगह पर पैसे कम रखते हैं जहां हमें आशंका होती है कि ये पब्लिक प्लेस है और मैं थोड़ी देर में अगर मेरा बटवा यहां रखा है तो ये गायब भी हो सकता है। मोबाइल वैसा ही है। सर, मेरा मानना यह है कि फ़ोन में हम कुछ गोपनीय रखें या ना रखें, हमें उसके बावजूद, कुछ ना रहने के बावजूद भी प्राइवेसी रहनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो आज अगर मेरा कोई जीमेल भी एक्सेस कर ले, मैं बताता हूँ, जैसे मेरा जीमेल है, जीमेल पे मैं कुछ नहीं रखता हूँ, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, बट अगर मेरी आईडी के थ्रू कोई मेल जाता है, कोई मेल आता है, तो प्रोफेशनल करियर भी मेरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसके लिए भी मेरे को प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। और जो ये जो पेगासस आया है स्पाइवेयर, ये सिर्फ उस पर अटैक नहीं करता है कि वो आपके व्हाट्सएप पर अटैक कर रहा हो, गैलरी पर अटैक कर रहा हो, या आपकी प्रोफेशनल हेल्थ पर भी अटैक कर सकता है, और उसके अलावा ये फिंगरप्रिंट तक ट्रेस कर सकता है। तो इसके साथ मेन खतरा ये भी था कि कुछ जो आर्मी की चीज़ें होती हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हम सिर्फ फिंगरप्रिंट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, अब फिंगरप्रिंट तो हम सभी के मोबाइल में आ चुका है, बहुत ही आधुनिक चीज़ है, पर ये उसका डेटा भी वहाँ पर भेज देता है। बिल्कुल जी, लास्ट मिनट। जैसे कि यहाँ बात चल रही है कि हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए अपने फ़ोन के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैंने बहुत देखा है कि मेरे आसपास में किसी को अपने डेटा की वैल्यू नहीं है। जैसे कि इनने कहा कि मेरे व्हाट्सएप या मेरे फ़ोटोज़ के थ्रू ही नहीं करता, मैं कुछ क्लिक करती हूँ, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं क्या पसंद करती हूँ क्या नहीं करती। हमें समझना होगा कि द प्रिंसिपल कि हमारा डेटा कहीं कलेक्ट हो रहा है वही गलत है। सदियों से इंडिया में एप्पल अपने फ़ोन बेचता है। किसी ने क्वेश्चन किया कि जो सीरी, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, हम जो उससे बोलते हैं वो हमें रिप्लाई करती है, वो बनी कैसे आग? वो हमारी ही बातें सुनती है। इस पे बहुत बड़ी रिसर्च है कि वो ही हमारी एवरीडे, हमारा फ़ोन हमारी बातें सुनता है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कल वो ऐड देख लेते हैं अपने फ़ोन में। तो बात ये है कि यहाँ सब जब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करना चाहिए या नहीं, हमारे सदियाँ हमारी कंपनियाँ भी डेटा कलेक्ट कर रही हैं, पर कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है, हमें लग्जरी मिल रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों में भी अंदर ये समझ आए कि हमारा डेटा इम्पॉर्टेंट है, और आप क्वेश्चन करें कि क्या हम जो क्लिक कर रहे हैं, हमारे फिंगरप्रिंट जा रहे हैं, वो कहीं कनेक्ट हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको उसकी क्या ज़रूरत है? एडवर्टाइजमेंट के लिए, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट तो कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा। तो ये जो वाद विवाद जो है, क्वेश्चनिंग है कि हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कहाँ जा रहा है, हमें पता होना चाहिए। जब तक लोगों में ये स्वभाव नहीं आएगा, हमारे लिए कोई फ्यूचर मेरे ख्याल से ये अब तक की बातचीत का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सिद्धार्थ, मैं कंक्लूड करूंगा आपकी बात से। सर, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो भले ही कोई कितना ही इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, मोबाइल में ऐसी चीज़ें रहेंगी जो उनका बेसिक राइट है, एक प्राइवेसी के हिसाब से सबके मोबाइल में आपको अवेलेबल मिलेंगी। सर, ध्यान देने वाली बात है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आती है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, इट मस्ट बी देयर। जो पूरा आपकी लाइफ का 100% अगर वो आप उठा के सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आप पहले हैकर्स की नज़रों में आ सकते हैं, दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। सो आई थिंक जैसा आपने कहा कि प्रोफेशनल होना ज़रूरी है अपने मोबाइल के साथ, अपनी लाइफ के साथ, कि आप क्या क्या चीज़ें अपने सोशल मीडिया पब्लिक अकाउंट्स पे डाल रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप उतने अवेयर हैं तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर, जिन लोगों को, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, उनसे पता किया जाए कौन कौन से सॉफ्टवेयर से हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं। That I think should be there कि हम भी responsible बने और जिन लोगों की बाकियों की responsibility है उनको भी हम question करें। सर, मैं एक अपना recent का example शेयर करना चाहूँगा privacy लेके। एक मेरी एक मित्र, एक friend है सर, उसका अभी दो दिन पहले ही WhatsApp account hack हुआ, और सर उसके बाद उसके WhatsApp account से जितने भी contacts थे उसके, उसको text करा गया कि मुझे एक urgent transaction करना है 5,000 rupees का, online मेरे phone से हो नहीं पा रहा है, तो तुम अभी कर दो, मैं तुम्हें आधे घंटे में return कर रही हूँ। एंड देन सर, उसकी वजह से तीन लोगों ने उसको 5,000 rupees ट्रांजेक्शन कर दिए, जो अकाउंट नंबर उसने दिया,
उसके बाद सर बाद में पता चला 1 घंटे बाद जब उसने दूसरी जगह शेयर करा कि उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक्ड हो चुका था और वो 15,000 रुपीज़ के अराउंड उसका पैसा जो हैकर है उसके पास चला गया है। सर इस टाइप के इंसिडेंट्स मतलब ये तो अपने सामने से असली लाइट में आ गया, रोज़ ऐसे हज़ारों इंसिडेंट होते रहते हैं पूरे इंडिया में सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है और हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे एंड्रॉयड और जितने एप्पल मोबाइल्स हैं ये सब जाएं, मैं बेसिक मोबाइल पे आ जाऊंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, नहीं हो सकता साहब। बिना व्हाट्सएप के, बिना इंटरनेट मोबाइल के आप और हम अपना जीवन नहीं चला सकते, क्योंकि बैंकिंग, हॉस्पिटल, मेडिकल रिपोर्ट्स ये सब हमारे मोबाइल में है। लेकिन मैं अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास जो चीज़ है वो चोरी हो सकती है, तो मेरा व्यवहार संयमित होगा, नियंत्रित होगा। मैं ऐसी चीज़ें नहीं उसमें रखूँगा जो मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकती हैं, तो इससे मेरा बचाव होगा। दूसरी चीज़ें मुझे ये पता करना होगा कि नियम और कानून क्या हैं, क्योंकि विषय बहुत नया है, पूरी दुनिया को इस पर कानून बनाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी होगी। बनेंगे कानून, लेकिन कानून बनते ही टूटने के लिए हैं, ये हमेशा कहा जाता है। लेकिन जितनी जानकारी हम रख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ों से हम अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमें पता करना होगा। सिर्फ मोबाइल महंगा ख़रीदना, इंटरनेट का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना आपके आधुनिक होने की निशानी नहीं है। सही मायने में आप आधुनिक तब हैं जानकारी जितनी आपके पास है। आपको ये मालूम है कि क्योंकि आज जब फेसबुक हैक हो रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, व्हाट्सएप का उदाहरण हमारे साथी ने दिया ही, तो इन परिस्थितियों में हमें बहुत सतर्क होकर चलना होगा, क्योंकि बात पैसे की ही नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा की भी है। क्योंकि अब मेरी जासूसी कोई और नहीं कर रहा है, मेरा अपना मोबाइल कर रहा है, तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सभी का। बोलो बोलो मुँह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।